हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएचएससी स्टडी पॉइंट वाईएस की। आज हम बात करेंगे थंब रूल फॉर एसडब्ल्यूएल ऑफ नायलॉन रोप, मींस नायलॉन रोप का एसडब्ल्यूएल निकालने के लिए थंब रूल फॉर्मूला क्या है, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरह बायर रोप का हमारा फॉर्मूला आपने देखा होगा कि बायर रोप का एसडब्ल्यूएल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे नायलॉन रोप का आज हम बात करेंगे कि नायलॉन रोप का एसडब्ल्यूएल थंब रूल फॉर्मूला क्या है उस पे। तो चलिए देखते हैं इसको निकालने का क्या तरीका है। छोटा सा मेथड है जिसको याद कर लेंगे तो आप निकाल सकते हैं। पहला है चेंज द रोप डाया इनटू 1/8 इंच, यानी जो रोप का जो डाया रहेगा उसको 1/8 के फॉर्म में लाना है, 1/8 के फॉर्म में लाना है। आई इट शुड बी इन इंच। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर द नोमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाई 60। तो इसको जब 1/8 के फॉर्म में जब इसको लाएंगे तो इसके बाद क्या करना, स्क्वायर द नोमरेटर। तो जो इसमें जो नोमरेटर बनेगा ना, तो उस नोमरेटर को स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई बाई 60 करना है। तो जब मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमारा यहाँ पे है जो SW1 नायलॉन रोप का निकल जाएगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 इंच नायलॉन रोप है अपने पास। एक क्या है, सपोज आपके पास 1/2 इंच नायलन रोप है और उसका SWL आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या है, चेंज द रोप डाया इनटू 8/8। तो 1/8 का करना है आपको, तो हाफ तो है ही है, तो नीचे 8 लाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ रहेगा, डिवाइडेड बाई ये 4 करेंगे तभी होगा। तो जब इसको हमने ये कर दिया तो क्या होगा, 4/8 इंच डायामीटर इसका भी बन गया। अब तो सेकेंड जो इसका पार्ट है वो क्या बोलता है, स्क्वायर द नोमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाई 60। इसमें नोमरेटर क्या बना है, 4 बना है, तो 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 4 × 4 × 60 मल्टीप्लाई बाई क्या है, 60। तो मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो LB में आएगा, LBS। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 960 LB। अब LB को चेंज करना है KG में, तो 1 LB इज इक्वल टू होता है 0.454 KG। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 437 KG। यहाँ पे मैंने दे भी दिया है, 1 LB इज इक्वल टू होता है 0.45 KG। तो आप अच्छे से अभी समझ गए होंगे कि नायलन रोप का आप है जो SWL, इसका थंब रूल फॉर्मूला ये है। इसके आधार पे आप इजिली निकाल सकते हैं और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पे जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।